वेलकम टू द पाठशाला। शाम के 6 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास। और आज की क्लास में हम करेंगे कंजक्शन का लेक्चर नंबर 5। और आज की क्लास में हमको करना है प्रैक्टिस, और इस प्रैक्टिस के थ्रू आप लोगों का कंजक्शन का जो चैप्टर है, जो आपने रूल्स पढ़ा है, वो थोड़ा आपके दिमाग में और अच्छे से बस जाएगा। तो आपको करना है माइंड बाउल के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल, जो आपका लीकेज है, लीकेज को रीफिल करके हमेशा रिवाइज करके रखना है, ताकि आप चीज़ों को भूलो ना। और स्टडी का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा e^x के हिसाब से चलाइए, थोड़ा सा पढ़ाई और कीजिए, समय बढ़ाइए, एफर्ट और कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। अगर आप लोगों का एफर्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रहा है, तो उसको किसी भी तरीके से 100% करने की कोशिश कीजिए। ये सब मिला के आपका एनवायरनमेंट बढ़ा देगा, आईक्यू बढ़ जाएगा, और आपका सिलेक्शन एक बार में ही हो जाएगा। तो चलिए जो है आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और करते हैं स्टार्ट अपना डिस्कशन। तो 15 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरीके से है, व्हेन हर सन गॉट ए जॉब देन सी वॉज वेरी हैप्पी। जैसे आपने देखा व्हेन, तो मैंने आपको बताया था कि व्हेन के साथ आप देन का इस्तेमाल नहीं करते हो, यहाँ पे लगा हुआ है देन। तो व्हेन हर सन गॉट ए जॉब कॉमा लगाओ, सी वॉज वेरी हैप्पी, बस इतना ही है, तो देन यहाँ से रिमूव कीजिए। उसके बाद 17 है, ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वॉन्ट। देखो, ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वॉन्ट है, यहां पे दैट मिसिंग है, आपको एक कंजक्शन चाहिए। वी वॉन्ट आपका जो है एक अलग से सेंटेंस है, और ब्रेड एंड बटर इज ऑल एक अलग से सेंटेंस है, यहां पे आपको एक कंजक्शन की जरूरत होगी। यहां पे लगाना पड़ेगा आपको दैट, क्या लगाना पड़ेगा, दैट ब्रेड एंड बटर इज ऑल दैट वी वॉन्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 times द एग्जिस्टिंग वन। यहाँ पे देखिए सो और एज का इस्तेमाल है, लेकिन सो एज का इस्तेमाल मैंने आपको बताया था कि एज का इस्तेमाल कब होता है, एज का इस्तेमाल आपका पॉजिटिव निगेटिव में होता है, सो एज का इस्तेमाल निगेटिव इंट्रोगेटिव में होता है। तो यहाँ पे आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, एज का, बी एज हाई एज 10 times द एग्जिस्टिंग वंस। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, ही वॉक्ड एज फास्टर एज, यहाँ पे देखिए ER जबरदस्ती है, ही वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड सो दैट ही वुड नॉट मिस द ट्रेन टू वर्क। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, सी वॉज रनिंग ए वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर। दस का मतलब जानिए, दस का मतलब होता है इस प्रकार के सेंस में आता है, क्या इस प्रकार के सेंस में आता है, सी वॉज रनिंग ए वेरी हाई फीवर, मतलब किसी के पास जो है बहुत ज़्यादा बीमार थी वो, तो उसकी माँ, इस वजह से उसकी माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई थी। तो यहाँ पे दज की जगह इस्तेमाल करना चाहिए आपको सो का, सो इसलिए के सेंस में आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नो सूनर, जैसे ही आपने नो सूनर देखा, आपको चेक करना है इन्वर्जन फॉर्म है कि नहीं है। नो सूनर के बाद सीधा सब्जेक्ट आ गया है, मतलब इन्वर्जन फॉर्म नहीं है, आपको यहाँ पे वर्ब डालना पड़ेगा। तो नो सूनर पास्ट में इस्तेमाल होता है, तो डालोगे डिड, नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे एक डिड लेना पड़ेगा नो सूनर और द टीचर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। Unless you will work hard, unless वाले क्लॉज में, unless वाले पार्ट में will का इस्तेमाल है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। Unless you work hard, you cannot pass होना चाहिए, ये will आपको हटाना पड़ेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, keep him at an arm's length, ये एक फ्रेज है, एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब है अपने से दूर रखना किसी को, keep him at an arm's length, lest you may not repent in the long run. Lest you may not repent in the long run. क्वेश्चन नंबर 23 की आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या गड़बड़ी है, मे को आपको चेंज करना पड़ेगा सुड में, क्योंकि लेस्ट हमेशा जो है सुड के थ्रू फॉलो होता है। तो यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है मे, ये है गलत, लेस्ट यू शुड, लेस्ट के साथ मैंने आपको बताया था कि सुड का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल है मे का, तो ये गड़बड़ी की गई है। क्वेश्चन नंबर 24, द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM, बिटवीन के साथ 2 नहीं क्या आता है, एंड आता है, द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM and 3 PM। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनलेस यू डू नॉट मीट, अनलेस यू डू नॉट, अनलेस वाले क्लाज में, अनलेस वाले पार्ट में नॉट का इस्तेमाल है, जो कि गलत है, सेंटेंस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये सब चीज़ें रूल्स अच्छे से याद है तो। अनलेस यू मीट, अनलेस यू मीट नॉट हटाओगे तो डू भी हटाना पड़ेगा, अनलेस यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, नॉट ओनली ही बेक्स केक्स बट ऑल्सो सेल्स देम। यहाँ पे देखिए नॉट ओनली का इस्तेमाल किया गया ही से पहले, और यहाँ पे बट ऑल्सो का इस्तेमाल किया गया सेल से, वर्ब से पहले, तो यहाँ पे नॉट ओनली जो है वो भी बेक से पहले इस्तेमाल होना चाहिए था। तो ही नॉट ओनली बेक्स, तो पहले यहाँ पे कीजिए ही, यहाँ से हटाइए ही नॉट ओनली बेक्स केक्स बट ऑल्सो सेल्स देम, ये करेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, नो सूनर, नो सूनर के बाद आपको इन्वर्जन फॉर्म चेक करना है, सी हैड, तो देख रहे हैं पहले सब्जेक्ट है बाद में हैड है, तो हैड को
लाना पड़ेगा पहले, सी को बाद में. नो सूनर हैड सी रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन, यहाँ पे देन की स्पेलिंग भी चेक कर लिया कीजिए, टी एच एन सही है. सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, सी वॉज नॉट सो वेल वर्स इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड. यहाँ पे देखिए जो सो के साथ दैट का इस्तेमाल किया गया है, सो के साथ दैट का इस्तेमाल किया तो जाता है, पर सी वॉज नॉट सो वेल वर्स इन इंग्लिश. सो के साथ यहाँ पे आपको एज का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जो सेंस है वो एज देगा. सो के साथ एज भी इस्तेमाल होता है, सो के साथ दैट भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सेंटेंस के करेक्ट मीनिंग के लिए आपको एज लेना पड़ेगा. सी वॉज नॉट सो वेल वर्स, कहने का मतलब सेंटेंस का यह है कि वह इंग्लिश में उतनी अच्छी नहीं है जितना कि हम सोचते थे. तो यहाँ पे दैट वो सेंस नहीं देता है, यहाँ पे जो करेक्ट जो है कोरिलेटिव सेंस देगा वो रहेगा एज. सो के साथ एज लेना पड़ेगा. सी वॉज नॉट सो वेल वर्स इन इंग्लिश एज वी हैड एक्सपेक्टेड. फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड. नॉट ओनली, जैसे ही नॉट ओनली आए आप पहले ये देख लीजिएगा कि इसका प्लेस सही है कि नहीं है, और बट ऑल्सो का इस्तेमाल है कि नहीं है. नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हिज वाइफ्स लाइफ. यहाँ पे देखो बट ऑल्सो का इस्तेमाल है, बट ऑल्सो के बाद है गोइंग, और नॉट ओनली कमिंग के पहले नहीं है. तो स्टॉप्ड पहले आएगा, नॉट ओनली फिर यहाँ पे आएगा, फिर कमिंग आएगा. इसको समझिए, मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस. तो यहाँ पे करेक्ट प्लेस होना चाहिए कंजक्शन का, तो कंजक्शन का करेक्ट प्लेस स्टॉप्ड के बाद होगा. फिर 30th है, नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेज वर एस्लीप व्हेन द इंजर्ड वॉज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल. नाइदर के साथ देखो नॉर का इस्तेमाल है, नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्स, ये डॉक्टर के पहले आया है, ये क्या है नर्स के पहले आया, मतलब नाइदर और नॉर दोनों करेक्ट है. वर एस्लीप व्हेन द इंजर्ड वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेज. नॉर वाले केस में जो ये आपका वर्ब आता है नॉर के साथ, मतलब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट, नॉर के साथ तो नहीं आता, जो अपना नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट है द नर्सेज, ये प्लूरल फॉर्म है, तो वर्ब प्लूरल फॉर्म में है, मतलब सही है. तो जो चीजें चेक करनी होती है वो हमने सारी चीजें चेक कर ली कि नाइदर के साथ नॉर है और इनका जो प्लेस है वो सही है, द डॉक्टर के पहले नाइदर है, द नर्स के पहले नॉर है, तो पैरेललिज्म है और वर्ब भी सही से इस्तेमाल है, इट मीन्स है कि सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट है. इसके बाद 31 है, एज सून एज द प्यून रिंग्स द बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स कम टू द असेंबली रूम. एज सून एज के साथ आप देन का इस्तेमाल नहीं करते हो. एज सून एज द प्यून रिंग्स द बेल ऑल द स्टूडेंट कम टू द असेंबली रूम फॉर प्रेयर, यहां से आपको देन रिमूव करना होगा. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, हार्डली हैड ही केम आउट ऑफ द बस देन द बम एक्सप्लोडेड. देखो हार्डली के साथ इन्वर्जन फॉर्म है और देन का इस्तेमाल है, जो कि गलत है. क्या इस्तेमाल होना चाहिए? व्हेन. तो अगर आपको रूल्स याद है तो ज्यादातर क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे, तीन चार क्वेश्चन में डाउट होता है सिर्फ. फिर है 33rd, स्केर्सली हैड आई बॉट, इन्वर्जन फॉर्म है, करेक्ट है. द टिकट व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म विथ ए हैजिंग साउंड. अब यहां पे देखिए हार्डली स्केर्सली के साथ, हार्डली और स्केर्सली के साथ लगता क्या है? व्हेन. तो यहां पे सेंटेंस क्या है? पूरी तरीके से करेक्ट है, क्योंकि जो पेयर है वो सही से इस्तेमाल है और इन्वर्जन फॉर्म भी है, तो 33 का भी नो इरर होगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, मेनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रेस्पेक्टफुल एज गांधी जी इफ नॉट मोर. यहां पे देखो सो एज का इस्तेमाल किया गया, जबकि ये सिंपल सेंटेंस है, तो यहां पे एज रेस्पेक्टफुल एज गांधी जी होना चाहिए. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु वाज चूजन बाय अस फॉर द पिकनिक. प्लेस के लिए हु का इस्तेमाल नहीं करते, यहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस दैट वाज चूजन बाय अस फॉर द पिकनिक. वैसे भी द सेम के साथ दैट या फिर एज आता है, दैट आता है जब वर्ब दिया हो, तो यहां पे वर्ब वगैरह दे रखा है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, सी आस्क्ड मी दैट व्हाई आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. ये देखो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, तो जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा कि इनडायरेक्ट में है. तो जो सेंटेंस अगर इनडायरेक्ट में होता है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम कन्वर्ट करते हैं, और डायरेक्ट में जो इंट्रो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है, तो इसको कन्वर्ट करते वक्त अगर हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव पार्ट स्टार्ट हुआ हो, तब हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं. अगर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हुआ हो इंट्रोगेटिव पार्ट आपका, तो आप किससे इस्तेमाल करते हो? इनडायरेक्ट पार्ट डब्ल्यू एच से, तो उसके पहले दैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं किसी भी केस में, चाहे वो इफ या वेदर से स्टार्ट करना हो या डब्ल्यू एच वर्ड से इस्तेमाल करना हो. तो डब्ल्यू एच वर्ड से पहले दैट का इस्तेमाल यहां पे जो किया गया है वो गलत है. सी आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये करेक्ट सेंटेंस है.
37 है रन फास्ट, लेस्ट, लेस्ट के साथ हमेशा याद रखिएगा क्या आता है, सुड, लेस्ट यू सुड लॉस द रेस। 38 है एज आमिर खान इज ए परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रिटेक्स टिल ही इज सेटिस्फाई विद द शॉट। एज के साथ एज का इस्तेमाल होता है, सो के साथ एज का इस्तेमाल होता है, लेकिन एज के साथ सो का इस्तेमाल नहीं होता, तो ये सो का इस्तेमाल है जो गलत है। एज आमिर खान इज ए परफेक्शनिस्ट ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रिटेक्स टिल ही इज सेटिस्फाई विद द शॉट। मैंने आपको बताया होगा कि एज, सिंस और आपका एक वर्ड और आता है जिसको हम बोलते हैं बिकॉज, इसके बाद कभी भी आप एज या फिर देयर फॉर का इस्तेमाल नहीं करते हो, ये इसके पहले वाली क्लास में आपको पढ़ाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है यू मस्ट आइदर वर्क हार्ड इज, आइदर का क्या होता है, कोरिलेटिव आर होता है, तो यहाँ पे सी पार्ट में गड़बड़ी है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू पे एनी हीड टू द प्रिंसिपल ऑर्डर और नॉट। यहाँ पे देखिए और का इस्तेमाल है, यहाँ पे इस्तेमाल है आई डोंट नो इफ, तो यहाँ पे क्या होगा, वेदर और आर का इस्तेमाल होता है, वेदर, आई डोंट नो वेदर एनी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू पे एनी हीड टू द प्रिंसिपल ऑर्डर और नॉट। तो यहाँ पे इफ का यूज जो किया गया है वो बिल्कुल से भी गलत है, मतलब कतई गलत है। इतने सारे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, आप तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि अगर बाद वाले पार्ट में अगर और का यूज है तो उसके पहले वाले पार्ट में आपको हमेशा देखना रहता है कहीं इफ तो नहीं लगा दिया गया है, अगर इफ लगाया गया है तो उसको चेंज करके वेदर में कन्वर्ट करना रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, दिस इज नॉट सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हु कैन नॉट बी सॉल्व, सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हु कैन नॉट बी सॉल्व विद द डिटर्मिनेशन दैट कैन नॉट बी सॉल्व होगा, सच के साथ दैट का इस्तेमाल होता है और हु का इस्तेमाल नहीं होता, और सेंस भी दैट के हिसाब से ही जाएगा। दिस इज नॉट सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व विद द डिटर्मिनेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, ऑल दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल बट द स्टूडेंट्स बाई देम बिकॉज दियर सीनियर्स डिड सो। ऑल दो के साथ आप बट का इस्तेमाल नहीं करते हो, ये यहाँ पे गड़बड़ी, इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन येट ही हैड वर्कड हार्ड एंड हैड एडॉप्टेड द राइट स्ट्रेटजी। यहाँ पे जो कंजक्शन लगाया गया येट, ये पूरी तरीके से गलत है। गलत क्यों है, सेंटेंस समझिए, ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में सफल नहीं हो पाया, येट ही हैड वर्क हार्ड, येट ही हैड वर्क हार्ड या होगा दो ही हैड वर्क हार्ड, यद्यपि उसने मेहनत किया था फिर भी वह सक्सीड नहीं हो पाया था, यट फिर भी के सेंस में आता है, दो यद्यपि के सेंस में आता है, तो यहाँ पे आपको दो लगाना पड़ेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही विल नॉट हेल्प एनी वन, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही विल नॉट हेल्प एनी वन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि कोई ऐसा कंजक्शन है जो करेक्ट प्लेस नहीं है, ऐसा है क्या, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही विल नॉट हेल्प एनी वन। यहाँ पे देखिए एंड लगाया गया, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी बट ही विल नॉट हेल्प एनी वन, ये होना चाहिए, तो एंड ये जो कंजक्शन है ये गलत कंजक्शन यहाँ पे डाला गया है, तो यहाँ पे बट होना चाहिए एंड की जरह, तभी सेंटेंस का जो है मीनिंग आएगा वो सही आएगा। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके बाद बहुत सारा पैसा है, और ही विल नॉट हेल्प एनी वन, यहाँ पे और का सेंस नहीं आएगा, बट लेकिन वह किसी की मदद नहीं करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयर फॉर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन। बिकॉज के साथ अभी ऊपर बताया कि क्या है, एज या फिर देयर फॉर का इस्तेमाल करना गलत होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, बॉथ ऑफ द रिच एलॉन्ग विद द पुअर, बॉथ, बॉथ के साथ एलॉन्ग का इस्तेमाल नहीं होता, एलॉन्ग विद का इस्तेमाल नहीं होता, बॉथ द रिच एंड द पुअर आर अफेक्टेड इक्वली वेन द प्राइजेज ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीजेज, तो ए पार्ट में गड़बड़ी है, इसको करेक्ट कीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है आई कैन नॉट से इफ ही हैज पेड द फी और नॉट, और इफ, देख रहे हैं सीधे सीधे पता चल रहा है, क्या होना चाहिए, वेदर का इस्तेमाल होना चाहिए, वेदर ही हैज पेड द फी और नॉट। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है 10 years have passed that I returned from America and settled in India। देखिए 10 years have passed, यहाँ पे that जो इस्तेमाल है वो गलत है, यहाँ पे क्या इस्तेमाल होना चाहिए, since 10 years have passed since I returned from America and settled in India।
मतलब जब से मैं आया हूं तब से 10 साल बीत चुके हैं, तो यहां पे आपको दैट की जगह सिंस लगाने की जरूरत है, यहां पे दैट इस सेंस में नहीं लगाते हैं, तो इस चीज को याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, इट वॉज ऑलमोस्ट 10 ईयर्स एगो सिंस ही रोट ए लेटर टू मी इंक्वायरिंग अबाउट माई वेलबींग। देखो सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको वेन का इस्तेमाल करना होगा, तभी सेंटेंस की जो है मीनिंग वो करेक्ट निकल पाएगी। इट वॉज ऑलमोस्ट 10 ईयर्स एगो, ये तकरीबन जो है 10 साल निकल गया है। वेन ही रोड, जब से उसने मुझे लेटर लिखा है इंक्वायरिंग अबाउट माई वेलबींग, जब उसने मेरे विषय में लेटर लिख के पूछा था, तो यहां पे वेन ज्यादा अच्छा सेंस देगा, सिंस नहीं। सिंस ऊपर वाले सेंटेंस में अच्छा सेंस देगा, दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, दो तीन बार सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे चीजें समझ में आ जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, ही वुड नॉट हैव डाइड वेन यू हैड हेल्प्ड हिम इन टाइम। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ही वुड नॉट हैव डाइड वेन यू हैड हेल्प्ड हिम इन टाइम, ये जो वेन का इस्तेमाल है ये पूरी तरीके से गलत है, इसकी वजह से जो सेंटेंस का मीनिंग है ना वो खराब हो जाता है। इसको बोलते हैं कि गलत कंजक्शन को रख के सेंटेंस को जोड़ देना। ही वुड नॉट हैव डाइड, वो मरा नहीं होता, वेन वेन लगेगा यहाँ पे, क्या लगता है आपको? यहाँ पे ये लगेगा कि यदि आपने हेल्प कर दिया होता, तो यहाँ पे यदि का सेंस है वेन का नहीं, जब का सेंस नहीं है, किसका सेंस है? यदि का सेंस है, तो यदि के लिए यहाँ पे क्या लगाओगे? यहाँ पे लगाओगे इफ, क्या लगाओगे? इफ ही वुड नॉट हैव डाइड इफ यू हैड हेल्प्ड हिम इन टाइम। अब सेंटेंस का जो है सेंस जो है बिल्कुल अच्छे से आ रहा होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51, स्केयर्सली वी हैड, देखो इन्वर्जन फॉर्म नहीं है यहाँ पे, तो हैड वी इस्तेमाल करोगे, तो पहले ही पार्ट में आपको मिल गया। तो अगर आपको रूल्स याद हो गए तो इस तरीके के जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आप देखते ही समझ जाओगे। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है, द लेबरर्स रिलैक्स्ड बिटवीन, बिटवीन के साथ क्या लगता है? एंड लगता है। तो ये रहे आपके एडवर्ब से रिलेटेड प्रैक्टिस सेशन, तकरीबन 50-52 क्वेश्चन हमने कर रख लिया है। एक्चुअली ये फर्स्ट गो है, इसके बाद काफी सारी मिक्सिंग वाले क्वेश्चन आएंगे जब हम सेकेंड गो में चलेंगे, सेकेंड फेज में चलेंगे, तो ये जो एडवर्ब को लेके थोड़े बहुत और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में दिखाई नहीं देते हैं, उसमें चल के हम क्लियर कर लेंगे। अभी मुझे उम्मीद है एडवर्ब का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक चीजें हैं, जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस इस पे थोड़े बहुत बनते हैं स्लाइटली, जो प्रैक्टिस सेशन के थ्रू मैंने दूर करने की अभी कोशिश की है, इस तरीके की चीजें थोड़ी बहुत आपको क्लियर हो गई होगी। इस चीज को याद रखिएगा कि फर्स्ट गो में आप 60% चीजें सीखते हो, सेकेंड गो और थर्ड गो तक जाते जाते आप इसमें मास्टर होने लगोगे। रूल्स को मेमोराइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस और जो कमांड है ना वो बेहतर हो पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।